Hello friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine Seals the Extra Step. In today's video lesson, we are going to discuss next important topic of Turing machine, that is what decidable and undecidable properties. So, I already told you, dear friends, this is very important topic for all the competitive examinations. So, let us see what we have covered yesterday. Yesterday, we have covered computable or uncountable, non-computable problems. तो मैं यहाँ पे आपको एक क्विक रिविजन प्रोवाइड करती हूँ. वॉट इज सोल्यूबल? सोल्यूबल मीन्स वॉट? एनी इफ देर इज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव सर्टन एल्गोरिदम और यू हैव सर्टन प्रोसीजर्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, इट मीन्स वॉट? इट इज कंप्यूटेबल एंड हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज सोल्यूबल. एंड वॉट इज अनसोल्यूबल? अनसोल्यूबल मीन्स वॉट? यू डोंट हैव एनी एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम्स. लेट अस सी, अगर मैंने क्रूशिकल एल्गोरिदम्स का एग्जाम्पल लिया, करेक्ट, तो क्रूशिकल एल्गोरिदम इज वॉट? इट इज द एल्गोरिदम विच इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एल्गोरिदम है. हम क्या करेंगे कि जो भी गिवन आपको वेट होते हैं, उस वेट को हम असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं, देन फिर हम उसको मैच करते हैं और नोड्स को कनेक्ट करते हैं. इट मीन्स वॉट? कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए वी हैव अ एल्गोरिदम एंड वी आर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शंस. तो वी कैन से क्रूशिकल इज अ सॉल्युबल प्रॉब्लम. और अगर एक कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके लिए आपके पास कोई एल्गोरिदम नहीं है, तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स. तो आई होप ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा. तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम लेकर चलेंगे एंड वी विल स्टडी टूडे व्हाट इज डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स इन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस. ओके, बट आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड करूंगी चॉम्स्की हायरार्की का, बिकॉज यस्टरडे मुझे काफी लर्नर्स की ये रिक्वेस्ट आई कि उनको बेसिक्स क्लियर नहीं है. तो डियर फ्रेंड्स, बेसिक के लिए मैं ऑलरेडी एक न्यू प्लेलिस्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का बहुत ही जल्दी बनाना शुरू करूंगी, जिसमें हम स्टार्टिंग से सब कुछ कवर अप करेंगे. बिकॉज बट ये टॉपिक्स मैंने ट्यूरिंग मशीन का एक सब टॉपिक स्टार्ट किया, तो लेट मी फिनिश दिस टॉपिक फर्स्ट. तो लेट अस सी कि आप ऐसा समझिए कि अगर आपको सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट मालूम है, तो दिस इज अ लार्ज सेट, करेक्ट. अगर इस लार्ज सेट में, दिस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स में, अगर आप एक स्मॉल सबसेट बना रहे हो, तो वी कैन से जो सबसे छोटा सेट है, इसके रिस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा होगी. तो वॉट type 3 in theory of computation, type 3 means what? It is a regular grammar and which is accepted by finite automata. Similarly, type 2 means what? Context-free grammar and it is accepted by post-John automata. Next level is concept-sensitive grammar and it is accepted by linear-bounded automata. And in not at the least is unrestricted grammar and it is accepted by Turing machine. तो बेसिकली अभी हम इस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं, ट्यूरिंग मशीन. तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन नाउ अ डेज. ठीक है, अभी इससे ज्यादा कोई पावरफुल मशीन बना ही नहीं है. अभी हमारे पास जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं, सबके कॉन्सेप्ट ट्यूरिंग मशीन पे ही बेस्ड है. तो ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज चॉम्स्की हायरार्की, कैसे मशीन्स ये परफॉर्म करते हैं, ये सब हम अपने वीडियोज में बहुत जल्द आपको एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट अस हैव अ टुडेज सेशन, दैट इज व्हाट इज डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल. तो हमने ऑलरेडी ये कवर अप किया है कि व्हाट इज अ प्रॉब्लम, व्हाट इज सॉल्युबल एंड अनसॉल्युबल. सो डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल को समझने से पहले यू मस्ट नो व्हाट इज रिकर्सिव, बिकॉज अगर आपको रिकर्सिव लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, तो ऑब्वियसली आप डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो लेट अस सी, अ लैंग्वेज इज सेड टू बी रिकर्सिव इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन व्हिच विल एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स इन एल एंड रिजेक्ट्स ऑल द स्ट्रिंग नॉट इन एल. एज सिंपल एट इज, आप ऐसा समझिए, दिस इज वॉट, दिस इज अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इज वॉट? अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, करेक्ट. यहाँ पे सी ओ एम बी आई एन ई सी एस, ये एक करेक्टर है. इस करेक्टर को जब मैंने कंबाइन कर दिया, तो इस कंबाइन को आप क्या बोलोगे, स्ट्रिंग बोलोगे नॉर्मल प्रोग्रामिंग टर्म्स में. तो एक मशीन है, उस मशीन में जब आप इसको इनपुट दोगे, तो वो क्या करेगा, आइदर इसको एक्सेप्ट करेगा, आइदर इसको रिजेक्ट करेगा. सिर्फ यही दो केसेस होंगे. तो इफ देयर इज एनी मशीन व्हिच इज एक्सेप्ट द स्ट्रिंग और आइदर इट विल रिजेक्ट अ मशीन, देन वी कैन से इट इज व्हाट, इट इज रिकर्सिव लैंग्वेज. We can also say the Turing machine will halt every time and give an answer in the form of accepted or rejected for each and every string input. So we can say a language and it is decidable if it is recursive language and all decidable language are recursive language and vice versa. तो आप जो भी learners इस video को देख रहे हैं, मैं उसे जरूर ये request करूँ कि आप इस point को जरूर अपने short notes में इनपुट करें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपको इसको क्रैम नहीं करना है, समझना है. समझना आप ऐसे समझिए, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, करेक्ट. इस स्ट्रिंग को मैंने
इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद एक मशीन में मैंने फीड किया, समथिंग प्रोसेसिंग हुई, तो प्रोसेसिंग होने के बाद इफ यू आर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन, इट मींस आप एक्सेप्ट कर रहे हो या क्या करोगे, आप उसको रिजेक्ट करोगे, करेक्ट। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा मशीन है जो ये फाइंड आउट कर रहा है, वो हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट करने का मीन्स कि वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन फाइंड आउट कर रहा है, देन वी कैन से इट इज व्हाट दिस इज डिसाइडेबल। तो यहाँ से आपका डिसाइडेबल का कॉन्सेप्ट आता है कि आप उस मशीन को क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट एक ऐसा मशीन जो कि रिकर्सिव लैंग्वेज को पार्स कर रहा है, एंड दैट लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज डिसाइडेबल, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो आपको एक मैं बेसिक ट्रिक यहाँ पे बताती हूँ कि अगर आपको याद भी करना तो आप कैसे करोगे। रिकर्सिव मीन्स आप ऐसे समझ लीजिए, रिकर्शन जो अपना सी का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है, रिकर्शन मतलब कि एक सर्टेन कंडीशन है उसके बेसिस पे आप कुछ एक्शंस परफॉर्म करोगे, उसके बाद आप बैक जाते हो, बैक जाकर आप एक फाइनल आउटपुट कलेक्ट करते हो। तो सिमिलरली आप ये समझिए कि वो क्या कर रहा है, एक सर्टेन कंडीशन पे हॉल्ट कर रहा है और उसके बेसिस पे आप ये फाइंड आउट करोगे कि व्हाट इज द आउटपुट। तो सिमिलरली रिकर्शन से समझिए रिकर्सिव लैंग्वेज, रिकर्सिव मींस व्हाट, इट इज डिसाइडेबल, डिसाइडेबल मींस व्हाट, यू आर गेटिंग सर्टेन आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज रिकर्सिव लैंग्वेज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज रिकर्सिव इन नॉर्मल लैंग्वेज। So we can say a language L is said to be recursive in a normal language if there exists a Turing machine which will accept and therefore halt for all the input string which are in L but may or may not halt for all the input string which are not in L। तो आप ऐसे समझिए dear friends कि आपके पास कुछ ऐसे भी string हो सकते हैं जिसको आप accept तो करोगे, but there might be certain situations कि आप उसमें ये नहीं found out कर पाओगे कि किस position पे जाकर आपको halt करना है। As for example जैसे मैंने कल आपको बताया था while loop मैंने लगाया और उसमें मैंने condition डाल दिया one, तो ये one means what, it will every two condition, तो इस ये आपका infinite loop जनरेट करेगा, करेक्ट। तो ये कभी भी हॉल्ट नहीं करेगा। तो अगर आपके पास इस तरीके का प्रॉब्लम है देन उस प्रॉब्लम को आप कैसा लैंग्वेज बोलोगे, रिकर्सिव इनहेरिबल लैंग्वेज। तो वी कैन कंक्लूड हियर कि ऑल रिकर्सिव लैंग्वेज आर आल्सो रिकर्सिव लैंग्वेज, आर ही मतलब रिकर्सिव इनहेरिबल लैंग्वेज, बट नॉट ऑल रिकर्सिव इनहेरिबल लैंग्वेज आर रिकर्सिव। तो देखिए इसको क्रैम अप करिए, आप ऐसा समझिए कि हमने यहाँ पे ये समझा था कि रिकर्सिव, ठीक है, रिकर्सिव मतलब आप एक बड़ा सेट ले लीजिए, तो इसमें आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो रिजेक्ट भी कर रहे हो। तो अगर सिर्फ आप एक्सेप्ट की बात कर रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिकर्सिव इनहेरिबल, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, करेक्ट। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे डायग्राम्स बनाइए और कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझिए, प्लीज डू नॉट लर्न इट। मैं हमेशा बोल रही हूँ कि बिकॉज कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट है तो डियर आप कुछ याद तो कर ही नहीं सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डिसाइडेबल। तो वी कैन से a problem is said to be decidable if it is solvable corresponding to the algorithm exists। We have already studied ki what is solvable problem, a problem is said to be solvable if there exists a algorithm, correct। So we can say decidable means what, yes or no, yes or no means what, there exists a corresponding Turing machine which holds on every input accepting or rejecting it। तो वी कैन कंक्लूड हियर अ लैंग्वेज एल इज डिसाइडेबल इफ इट इज रिकर्सिव लैंग्वेज, एंड वी कैन ऑल्सो से कि ऑल डिसाइडेबल लैंग्वेज आर रिकर्सिव लैंग्वेज एंड वॉइस वर्सा। तो आप जो भी नोटबुक बना रहे हैं आप वहां पे इसको मेंशन करिए कि जितने भी डिसाइडेबल लैंग्वेजेस होते हैं वो रिकर्सिव भी होंगे, और बिकॉज कि वो रिकर्सिव है तो वो डिसाइडेबल भी है। हेंस मैंने यहाँ पे दोनों तरफ का साइड एरो बनाया है सो दैट कि आप इजिली किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको, करेक्ट। Then moving to the next topic is what is partially decidable। अब partially decidable क्या हो जाएगा डिफरेंट, तो आप थोड़ा relate करने की कोशिश करिए। क्या मैंने क्या बताया कि decidable में accept और reject दोनों होता है, करेक्ट, और Turing machine वहां पे halt भी कर रहा है, तो partially में क्या होगा, it means कि वहां पे कुछ तो कमी हो जाएगी। Then what is the drawback here, partially is also known as semi decidable problems are those for which a Turing machine halts on the input accepted by it but it can either halt or loop forever on the input which is rejected by the Turing machine। जो अभी मैंने condition बताया कि अगर आपका suppose while loop है, condition मैंने one डाल दिया तो ये always true है, तो ये एक loop में चला जाएगा, correct। तो loop में चला गया it means what, वहां पर वो halt नहीं हो रहा। तो ऐसे languages जिसमें आपका halt कब हो रहा है, आप there might be certain situations ka aap predict nahi kar sakte ho, so we can say that languages as what partially decidable। So we can also conclude here a language is said to be semi decidable if L is what recursive inherible।
हमने अभी प्रीवियसली ये देखा था कि जो आरी है मतलब रिकर्सिव इनरेबल है वो कैसा लैंग्वेज था कि वो एक्सेप्ट तो कर रहा था बट जब आप रिजेक्ट करते हो या किसी सर्टेन कंडीशन पे वो हॉल्ट नहीं करता तो वैसे लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं रिकर्सिव इनरेबल। तो वी कैन ऑल्सो से कि जो आपका पार्शियली डिसाइडेबल है वो रिकर्सिव इनरेबल लैंग्वेज भी होगा बट वो रिकर्सिव लैंग्वेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिकर्सिव मतलब क्या हमने अभी पढ़ा डिसाइडेबल, डिसाइडेबल मीन्स वॉट कि वो एक्सेप्ट भी करेगा और रिजेक्ट भी करेगा। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं डियर फ्रेंड्स। इंस्टेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड प्लीज गिव मी द फीडबैक एंड सजेशंस व्हाट एवर यू फील। करेक्ट। तो व्हाट इज अनडिसाइडेबल इज ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि ऐसे लैंग्वेज जो कि डिसाइडेबल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे undecidable. So we can see here if L is not decidable, it means it is what? Undecidable. Correct. An undecidable language may be partially decidable language or something else but not decidable. मतलब कि वो undecidable नहीं है तो वो हो सकता है कि वो partially decidable हो या नहीं हो. We can't say anything. So we can say here what? If a language is not even partially decidable, then there exists no Turing machine. तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर वो डिसाइडेबल भी नहीं है, पार्शियली डिसाइडेबल भी नहीं है तो क्या उसके लिए कोई मशीन एग्जिस्ट करेगा? नहीं एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट। वी कैन कंक्लूड हियर कि नीदर इट इज डिसाइडेबल नॉर इट इज पार्शियली डिसाइडेबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज डिसाइडेबल, व्हाट इज अनडिसाइडेबल, व्हाट इज सेमी डिसाइडेबल एंड व्हाट इज रिकर्सिव एंड व्हाट इज रिकर्सिव इनरेबल लैंग्वेज। लेट अस अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विद अ वेरी गुड एग्जांपल दैट आई हैव टेकन फ्रॉम गेट 2017। तो किस तरीके से इस पर क्वेश्चन आते चलिए हम उसको देखते हैं। Let A and B be finite alphabet and hash be a symbol outside both A and B. तो आप ऐसे समझ लीजिए finite alphabet means what? Finite non finite क्या होता है? Already मैंने discrete mathematics में आपको पढ़ाया है कि suppose अगर मैंने बोला कि आपको एक boundary define कर दी 1, 2, 5 तो this is what? Finite. Non infinite means what? कि मैंने बोल दिया natural number और उसका मैंने आपको एक boundary नहीं define किया तो वो क्या हो जाएगा? Infinite हो जाएगा। Correct. तो infinite means what? वहां पे मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर कोई finite है it means वो क्या हो जाएगा? Computable हो जाएगा या countable हो जाएगा? Countable. तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया डियर फ्रेंड्स आपको कि वी से अ फंक्शन इज कंप्यूटेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ ट्यूरिंग मशीन एम विच गिवन एन इनपुट एक्स इन ए स्टार Always halt with effects on its state. मतलब ये क्या कर रहे हैं जो हमने अभी computable पढ़ा था previous video में और आज के video में तो हमने ये क्या समझा था कि computable means what? जिसके लिए एक algorithm होता है वो accept करेगा reject करेगा hence उसको हम क्या बोलेंगे? Decidable बोलेंगे। तो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने question तो पूछ दिया but basically इन्होंने यहाँ पे computable का आपको definition provide किया है और उसके basis पे इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा statement true होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से जाएंगे एफ इज कंप्यूटेबल इफ एंड इफ एल इज रिकर्सिव। ऑब्वियसली ट्रू। ये ट्रू क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर कोई कंप्यूटेबल है उसके लिए आपका ट्यूरिंग मशीन भी एग्जिस्ट हो रहा है वो हॉल्ट भी कर रहा है। तो अगर ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट हो रहा है वो हॉल्ट भी कर रहा है मतलब क्या है कि वो डिसाइडेबल है और हमने अभी देखा कि एवरी डिसाइडेबल इज वॉट रिकर्सिव एंड एवरी रिकर्सिव इज वॉट डिसाइडेबल। तो हेंस आपका ऑप्शन वन ट्रू हो गया। बट हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को लेके नहीं चलना, मैं आपको ये तरीका बताती हूँ किस तरीके से आप दूसरे कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम दूसरे ऑप्शंस को पहले डिफरेंस एफ इज कंप्यूटेबल इफ एंड ओनली इफ रिकर्सिव इनरेबल। तब आप ये समझिए अगर इसने कंप्यूटेबल की बात करी और ये बता रहा है कि हॉल्ट कर रहा है मतलब प्रॉपर डेफिनेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है तो वो डिसाइडेबल है। तो क्या रिकर्सिव इनरेबल डिसाइडेबल होता है? नहीं। हमने अभी देखा कि वो सेमी डिसाइडेबल है तो आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी डी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। करेक्ट। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है ए और सी में तो हम सी को पढ़ लेते हैं। सी में इसने सेम लिखा है बट यहाँ पे लिख दिया बट नॉट कन्वर्स इज ट्रू। तो मैं आपको अभी दिखा दूं। अब आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा वाइसी वर्सा। तो मैंने जो भी स्लाइड में मेंशन किया डियर फ्रेंड्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट्स बनाना जरूर शुरू करिए। तो हिंस आपका ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन वन इज द आपका
ट्रू ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और देखिए कितना रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, और जो यूजीसी नेट है उसमें तो वो पूरा पूरा क्वेश्चन गेट का कॉपी करते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बेसिस पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस को ही लगाना है और प्रैक्टिस करना है। बिकॉज मैं अपने हर वीडियो में ये बोलती हूँ, प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट देना है, देन आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट कर रहे हैं। एंड इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।